लिए बाइक जाएगी अपने लिए। व्हाट्सअप माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज मेरे लिए किसी ने एक्सकर्शन बुक करके रखा था। एक्सकर्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो सिटी के साइट सीन रहते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस रहते हैं, अगर हम उस पर विजिट करते हैं तो उसको एक्सकर्शन बोलते हैं। तो मेरे लिए किसी ने स्पेशल एक्सकर्शन बुक करके रखा था, लेकिन बाई मिस्टेक देखो बारिश हो रखी है सेंट पीटर्सबर्ग में, और मैं जा रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो लूँगा, नहीं तो आज का पोस्टपोन करके कल करेंगे अपना ये एक्सकर्शन। बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि मॉस्को में इतनी ज़्यादा इस टाइम गर्मी हो रखी है और यहाँ पे बारिश हो रखी है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब रात में मेरे को ठंडी फील हो रखी थी, और जैसा आपने देखा था पिछली वीडियो में दो मेरे को इंडियन भाई मिले थे, तो लास्ट नाइट मैं उन्हीं के अपार्टमेंट में, उन्हीं के फ्लैट में सोया था, और उनका खुद का अपार्टमेंट है, जो बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो एक्सकर्शन लेंगे, नहीं तो फिर कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। आप इंटरनेट पे एक बार चेक कर लेना कि सेंट पीटर्सबर्ग का मौसम हर 5 मिनट में 10 मिनट में बदलता है, तो इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कल पूरे दिन इतना अच्छा मौसम था, सन था, और आज सुबह से ही गर्मी नहीं, आज सुबह से ही ठंडी हो रखी है और बारिश हो रखी है सुबह से ही। तो अपना होस्ट आ चुका है यहाँ पे, होस्ट नहीं अपना गाइड, जो हमें लेके जाने वाला है। लेकिन अभी पूछते हो क्या करेगा, और तेरी ये बाइक जाएगी अपने लिए। क्या बात है, तो शिवोत ने ना दे ली तक दा ये जिम ये दिन दा ये कितना दूश आया तो शस दा मुकुट उसको ये कुट को दा। हां जी भाई, मुका мне сказали что это будет сюрприз। И завтра не можно? А? Завтра? Нет, сегодня. Сегодня просто. Ага, very nice. You see? сколько времени будете по полной скорости? 35 минут. 35 минут. Ага. 35 минут. Так. Левую ногу туда, левую ногу. Левую ногу ставим туда. Левую. Нет, левую, левую, левую ногу. Да. Да. И тут держимся рукой, правую ногу перебрасываем. Что? Поднялся и едем. Мосты набережные, можно ехать, снимать там остановку. Байки кондишн аптекс. Что? Да по хинди говорю. О. А музыка тоже есть, да? मैं जब दिल्ली आऊँगा ना तो मैं भी अपनी रॉयल एनफील्ड में ऐसे ही साउंड लगाऊंगा, म्यूज़िक लगा के चलाऊंगा। देख लो कितनी कूल बाइक है, एकदम पूरी फरारी को भी फेल कर रखी है इस बाइक ने। तो ये भाई साहब चल चुके हैं, ये रहा मैं। तो 10, 1, 3 कॉपीराइट में डालना है। ये सबसे स्पेशल ट्रिप है। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू गुड इट फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजॉइंग वेरी मच जस्ट बिकॉज ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द वेदर आई डोंट इंजॉय, बट एनी वे आई विल इंजॉय।
मुझे प्राइस अभी पता नहीं है कि ये कितने की है। ये जिसने बुक किया है उससे पूछना पड़ेगा मेरे को। बस एक सरप्राइज़ दिया है मेरे को, उसके लिए थैंक यू वेरी 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 मच अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन 35 मिनट्स की ये राइड रहेगी और आप सन स्पीटरबर्ग में आके ये राइड कर सकते हैं और मॉस्को में भी ये राइड कर सकते हैं। सो इट इज़ माई फर्स्ट टाइम हैविंग सच काइंड ऑफ राइड इन यूरोप सिटी, इन यूरोप कंट्री। सो इन्जॉइंग वेरी मच, बट बिकॉज ऑफ वेदर एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड। इन भाई को कल ये बिजी है और अपने पास भी कल टाइम नहीं, इतना फ्री है, अभी कर देते हैं। अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। कमेंट करके बताते रहना कैसी लगी ये राइड। हो अभी भाई ने कहीं पे रोक दिया गाड़ी और सामने आप देख सकते हैं ब्रिज है जो रात में ओपन हो जाता है और это единственный в городе железнодорожный мост, через который идут только поезда. Ни люди, ни машины не ходят. Ничего, да, там? Поднимается средняя часть. Это каждый нож, да? Разводной мост. Он не разводится, а верхняя часть поднимается на высоту 50 метров. 50 метров. Но сейчас таких уже пароходов нет, поэтому мост практически не разводится. Вот эти корабли, они все невысокие, они спокойно проходят от района 8 метров. Правая сторона одета в гранит Невы, левая сторона, как была 300 лет назад Невы, так и осталась, видите? Песок, земля и мост. Это мост единственный, самый длинный мост, километр 100 метров. И 100 метров? Километр 100 метров, да. Построен он 110 лет назад. И 110 лет назад. То, जैसा कि मैं इनको समझ पा रहा हूं, ये 110 साल पहले ये ब्रिज बना है और काफी फाड़ के हिस्ट्री इन्होंने बताई है जो मेरे को आधी समझ में आई है और आधी समझ में नहीं आई है। और जब ये बाइक चला रहे ना तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये एकदम ही लिटा दे रहे हैं बाइक को मोड़ने के टाइम पे। और ये बाइक इतनी ज़्यादा नीचे झुकी हुई है, बोले तो पूरी सड़क से चिपक रही है, इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे ही हल्का सा भी टर्न ले रहे ना तो मेरे को डर लग रहा है। बाकी शॉर्ट्स कैसे आ रखे और आप कमेंट करके बताना यार। बैठने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे अपन कार में बैठे ले, कार से उड़ रही है हवा में, हवा से बात कर रही है, चला रहे भाई ने फिर गाने वाने बजा रखे हैं, मस्त एकदम दर्शन गाने चल रहे हैं। Это мост Петра Великого называется. Вот этот? Да, мост Петра Великого. Строился с 908 по 912 год, 4 года. Построен без сварки, только на заклепках. Потрачено 1 000 000 заклепок на него. Одна из этих заклепок, по легенде, говорят, что золотая. Башенки сделали в английском стиле из камня. Мост разводится классически подъемом по 45 градусов в 2,5. 2,5. Строился 4 года, последние годы правления Николая II. Также разводится только ночью, с 2 часов ночи до 5 часов утра. Сейчас мы проедем под мостом. С правой стороны будет маленькая такая, маленький памятник. Там будет стоять 6 турецких пушек. Это пушки с турецкого фрегата, который был разбит Петром I в 1703 году. То... जैसा कि भाई ने बताया है कि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा पुराना है और सन स्पीटरबर्ग में काफ़ी सारी जो ब्रिजेज है ना वो 100 साल से पुराने हैं और अभी तक ऐसे टिके हुए हैं। और हर रात को ये ब्रिज 2 बजे 1 बजे के बाद से ये ब्रिज जो है ना ये ओपन होते रहते हैं 2 या 3 घंटे के लिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप्स रहती है ना, जो कार्गो शिप्स रहती है और भी बड़ी बड़ी शिप्स रहती है, वो क्या बोलते हैं पास होती है और दरिया पास में ही है। कमेंट
कमेंट करके बताते रहना आप लोग इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार। ये देखो भाई साहब, ये जो टर्न ले रहे हैं ना, ये खतरनाक ले रहे हैं, ये पूरी गाड़ी को लिटा देते यार। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सन स्पीडर पार्क दो पास में भगा हुआ है, आधा पार्ट उस तरफ है और आधा पार्ट रिवर की इस तरफ है। तो अगर आप कभी भी बाई चांस अगर आप उस तरफ रुकते हो तो आपको इस तरफ आना है, तो टाइम देख के आना ताकि आपको पता चल जाए कि रात में ब्रिज का जो टाइमिंग है वो सब चेक करके आना, नहीं तो आप फंस जाओगे इधर, क्योंकि तीन तीन चार चार घंटे के लिए ब्रिज ओपन होता है, फिर आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हो। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है, वो करीब 45 किलोमीटर का वे है फ्रॉम हियर, तो उस चीज़ का ध्यान रखना कभी भी आओ अगर आप सन स्पीडर भगाते हो। इस बाइक पे बैठने के बाद पूरा घोस्ट राइडर वाला फील आ रहा है, हेलमेट देख के, बाइक देख के, इतनी कूल है बाइक यार, ये पूरी कार है, मेरे को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, पीछे वाला हर्ट नहीं हो रहा है, सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ये भाई साहब ने पता नहीं कुल्हाड़ी किस लिए रख रखी है यहाँ पे, अभी बाद में अपन पूछेंगे कुल्हाड़ी किस लिए रखी है। पूरा सिस्टम रख रखा है, पूरा एक तरह से रूम बना रखा है इन्होंने अपना, पानी की बोतल टंग रही है उधर, कुल्हाड़ी रख रखी है, खाना पीछे टंग रहा है इनका। आप जो ये मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हैं, करीब 250 साल पुराने, 250 साल पुराने यार, 250 साल पुराने चर्च है। और भाई ने हिस्ट्री बताई है, मैं आपको अभी बताऊंगा तो मेरे को पूरा सबटाइटल अच्छे से डालना पड़ेगा, तो एक बार आप खुद ही पढ़ लेना जाके। और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यार, यहाँ के चर्च भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर मैंने कल एक मस्जिद देखी थी, इतनी खूबसूरत वो मस्जिद थी, बस क्या बताऊँ, मैंने सोचा था यार, लेकिन हम लोग वहाँ से है ना रात में आ रहे थे, मैं और जो अपने दो इंडियन भाई मिले थे उसके साथ में, तो मैंने सोचा था यार मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो एक ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन वो एरिया का नाम मुझे पता नहीं है, तो अपन एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे, अगर आसपास में रहेगा तो अपन चलेंगे एक बार वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन वो मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, मैं वहाँ पे एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ और अंदर जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे ट्राई करेंगे मंदिर कहाँ पे है, तो मंदिर में भी जाके देखेंगे एक बार, और एक बार चर्च में भी जाके देखेंगे, अपन सारे धर्म की रिस्पेक्ट बहुत दिल से करते हैं। जब अपना ये एक्सकर्शन ख़त्म हो जाएगा तो अपन पूछेंगे एक बार इनसे कि एक बार मैं ट्राई करके देखूँ चला के कि नहीं, अगर अपन चला सकते इस खतरनाक बाइक को तो कितना मज़ा आएगा, सिर्फ एक बार पूछ के देखते हैं। गियर तो सेम ही होंगे ना अपने इंडिया जैसा यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा समझ लेंगे, बैलेंस समझने वाली बात है। देखो यार सिस्टम एकदम पूरा, और वीडियो के एंड में मैं इस बाइक का प्राइस बताऊंगा आपको कि ये बाइक कितने की हो सकती है यहाँ पे और अपने इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है। तो अपनी ट्रिप हो चुकी है खत्म, मुझ दादा शिवा बलसो
की बात दिव्या बलशोई। सो ये आलेख है व्हाट्सएप का, कहता है इंस्टाग्राम लिखा किया था इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मोजना पगवार का जाल उसका कहता है इंस्टाग्राम। बाइक दिखाता हूँ मैं, इनकी पूरी सिस्टम दिखाता हूँ। Через Веру скину, да, хорошо? Инстаграм. Ага, хорошо, напиши мне. Да, хорошо. То мне не заболел, в Инстаграм, ко, мере, в WhatsApp, успе лик деньги. А можно показать такое? Да, пожалуйста, фотографию. Ага. Байк, देख लो कितनी कूल है। А почему вот это? Карандаши точить. Люблю рисовать. Да. Можно спросить, сколько стоит у вас вот такой байк? Новые стоят, сколько это стоит? Где-то 30 тысяч евро новый стоит. 30 евро, да? Да, новый стоит 30 тысяч евро, да. Ага. Ну, такие не новые, там, 10-15 тысяч. 10-15 тысяч, да? Евро, да. Евро, да? सो अगर अगर आप ये बाइक नहीं लेते हैं तो 30 से 35 हज़ार यूरो में आएगी, और अगर आप पुरानी लेते हैं तो 10 से 15 हज़ार यूरो में ये बाइक आ जाएगी पूरी। ईशो एक्सप्रेसिव पजल उसका अदिन बेंजिन दा अदिन लीटर बेंजिन इसको कुल किलोमीटर पूरा सूट उस किलोमीटर मुझे वीर नमो था। अच्छा मैंने इनसे पूछा कुछ और था शायद ये समझे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि इसकी एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर की होगी। जैसे अब इसके इंजन भी तो हैवी होगा इसी चक्कर में, तो काफ़ी अच्छी बाइक थी, मज़ा आया टूर करके। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड आई एंजॉय वेरी मच। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट सिर्फ लकी न्यू लाइफ की फैमिली की तरफ से ही आपको मिलेगा। तो बस सब्सक्राइब करते रहना एंड शेयर करते रहना। इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और बस थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ विदे। आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम्स एंड लव यू फ्रॉम रशिया। तो भाई एक चीज़, एक सरप्राइज़ मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, एक सरप्राइज़ और देखने को मिला। ये भाई हैं, ये इंडियन हैं, लेकिन ये जिप्सी इंडियन है। जिप्सी इंडियन आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना इंटरनेट पे। जो पुराने टाइम पे जो बंजारे लोग होते थे ना, जो ओरिजिनली इंडिया से थे, लेकिन क्या था कि वो दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में जा जा के बस गए थे। कक्ति गया साउथ उस्ताम ककोई गोरख थी इंडिया, ककोई गोरख, किसका कोई गोरख थी? या у нас предки сильные, я не жил в Индии. Предки, скажи, предки. जो इनकी जो फैमिली, जो जनरेशन चलती आ रही है ना, वो इंडियन है यार। कितना कूल है ना, सुपर एकदम यार।